कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण पंचायत चुनाव को लगातार टाला जा रहा था। लेकिन आज यूपी में पंचायत चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया गया और साफ तौर पर हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग को आदेश दिया है। आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तिथि का ऐलान हाईकोर्ट ने किया और साफ तौर पर सरकार और आयोग को आदेश दिया है, उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि 17 मार्च तक आरक्षण के कार्य को पूरा कर लिया जाए, वहीं पर 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव करा लिए जाएं और 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव करा लिए जाएं। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार टल रहे पंचायत चुनाव अब जल्द ही होंगे। जिस तरीके से लगातार इसकी तिथियों में बदलाव किया जा रहा था, जिससे कहीं ना कहीं से तमाम तरह की दिक्कतें पैदा हो रही थी, वहीं पर साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि इसको लेकर आरक्षण और परिसीमन की तैयारियों को भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 टीवी उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौरी चौरा समारोह का किया आगाज। उन्होंने इस मौके पर डाक टिकट भी जारी किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी इस कार्यक्रम में रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 100 साल पहले चौरी चौरा में जो हुआ वह सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा और व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई, उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया। लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतना महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं बल्कि जन जन के दिलों में लग चुकी थी। उस इतिहास को आज देश के इतिहास में स्थान देने का जो प्रयास हो रहा है वे प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा, आज चौरी चौरा की शताब्दी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। आज से शुरू हो रहे कार्यक्रम पूरे साल आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान चौरी चौरा के साथ हर गांव और हर क्षेत्र के बीच बलिदानियों को याद किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को काफी जोर शोर से मना रही है। आज से शुरू हुए इस कार्यक्रम को अगले एक साल तक मनाया जाएगा और इस दौरान उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन प्रियांश मिश्रा के साथ मैं निकिता सरीन, R9 टीवी के लिए। एक ही कोख से पैदा हुए भाई बहन जो कभी घर में एक ही साथ गुलजार करते, वही भाई ने बहन के पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर बहन की ही कर दी हत्या। आपको बता दें कि पूरा मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां पे हरेरामपुर के पास एक रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात युवती का शव मिला। उसके पिता के तहरीर पे नामजद प्रेमी के साथ अवैध मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसको पुलिस ने प्रेमी को पकड़ा और पकड़ने पूछताछ के बाद पता चला कि ये दोनों भाइयों जो सगे मिट्टी के भाई हैं, ये दोनों मिल के ही युवती की हत्या करने के बाद पुलिस ने युवती को रेलवे ट्रैक के पास फेंका और पुलिस ने उसको तहकीकात के साथ भाई और पूर्व प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घनश्याम मिश्र, R9 टीवी, देवरिया। 26 जनवरी को किसान आंदोलन में शरीक होने गए रामपुर के बिलासपुर के गांव डिबडिबा निवासी नवरीत सिंह की आज जो थी वो अंतिम अरदास थी। आज 10वें में यहां सियासत का माहौल बहुत गर्म रहा। प्रियंका गांधी से लेके राम गोविंद चौधरी और जयंत चौधरी के अलावा बहुत सारे नेताओं ने आज यहां शिरकत की और अंतिम अरदास में। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से बवाल हुआ दिल्ली में और रामपुर के किसान नवरीत सिंह की वहां मौत हुई, उस पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। आज भी परिवार के लोगों का प्रियंका गांधी से यही कहना था कि नवरीत सिंह की जो मौत हुई है वो गोली लगने से हुई है और नवरीत सिंह के दादा ने व्यापक जाँच की मांग की है, जिसमें जाँच हो और जाँच में तथ्य सामने आए कि उसकी मौत कैसे हुई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि नवरीत सिंह की मौत ट्रैक्टर के एक्सीडेंट से हुई है, जबकि उसके दादा का ये कहना है कि उसकी
मौत जो थी वो बुलेट से हुई है और उसके रिश्तेदारों ने भी ये बात कही है कि उसके एक नहीं बल्कि दो गोलियां मारी गई थी, इस तरह से उसकी मौत हुई है। हालांकि ये सवाल अभी भी जो है वो बड़ा है कि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहीं भी गोली का जिक्र नहीं है, लेकिन एक्स-रे रिपोर्ट को उसके दादा कहते हैं कि अगर वो सामने आ जाए तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि उसकी मौत नवरी सिंह की मौत ट्रैक्टर के पलटने से नहीं बल्कि पुलिस की गोली से हुई है। हालांकि नवरीत के परिवार के लोग और उसके परिजन आज इकट्ठा हुए अंतिम अरदास में और वहां उसे श्रद्धांजलि भी दी, सतामना भी दी और जो नेता आए थे प्रियंका गांधी या फिर राम गोविंद चौधरी जयंत चौधरी के अलावा बहुत सारे कांग्रेस के और नेता आए। हालांकि सरकार के मंत्री और सरकार के नेताओं ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई और कोई भी जनप्रतिनिधि उनका इस अंतिम अरदास में नहीं पहुंचा, लेकिन जिस तरह से परिवार के लोगों ने और नवरीत के दादा ने आरोप लगाए हैं उसमें प्रियंका गांधी ने भी ये बात कही है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। अब देखना ये होगा कि नवरीत के मामले की जांच होती है जैसे कि प्रियंका गांधी ने मांग की है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि उसकी जांच में क्या चीज सामने आती है। रामपुर से फहीम खान, R9 TV। 3 दिन गुजर जाने के बाद और तकरीबन 422 नीले कलर की बलेनो कारों की डोर टू डोर पूछताछ करने के बाद 100 CCTV कैमरों की मदद से बुलंदशहर पुलिस ने 1 जनवरी को किडनैप हुए टाइल्स व्यापारी के बेटे को सकुशल बरामद कर लिया है और 7 अधेड़ उम्र के किडनैपर्स को सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें बुलंदशहर पुलिस की कस्टडी में खड़ा ये वही शातिर किडनैपिंग गैंग है जिन्होंने बीती 1 जनवरी को टाइल्स व्यापारी के बेटे गौरव का रास्ता पूछने के बहाने नीले कलर की बलेनो कार में किडनैप कर लिया था और उसे एक मकान में बंधक बनाकर रखा हुआ था। गौरव के घर फोन कर मांगी थी 30 लाख रुपए की फिरौती, पुलिस को सूचना देने पर गौरव को जान से मारने की धमकी भी दी थी जिसके बाद परिजनों के हाथ पैर फूल गए थे। बुलंदशहर पुलिस ने RTO कार्यालय से नीले कलर की सभी 422 बलेनो कारों की डिटेल मंगाई और करीब 100 CCTV कैमरों की फुटेज खंगालते हुए 7 शातिर अधेड़ उम्र के किडनैपर को धर दबोचा। पकड़े गए किडनैपर्स पीड़ित के पड़ोसी बताए जा रहे हैं जो कि 10 साल पहले अपराध की दुनिया में अपना नाम कमा चुके हैं। वहीं SSP बुलंदशहर ने पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने वाली पुलिस टीम की कार्यशैली से खुश होते हुए 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है और बचे हुए गैंग के एक सदस्य को भी जल्द गिरफ्तार करने का बुलंदशहर पुलिस द्वारा दावा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जीशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जिले को नकल की मंडी कहा था और कहा था कि इस जिले में नकल के ठेके किए जाते हैं और आज इसी प्रचलन को जिंदा रखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के जरिए एक बार फिर पूरी स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो विद्यालय हैं वो मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं और ऐसे में उन्हें इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का परीक्षा केंद्र बनाना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। जिले में एक बार फिर हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाना था, लेकिन गोंडा में DIOS ने मनमाने तरीके से उन स्कूलों को केंद्र बना दिया जहां बुनियादी सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है। कई स्कूलों में निर्धारित मानक के मुताबिक न तो कहीं CCTV कैमरे लगे हैं और न ही शौचालय, इसके बावजूद इस तरह के स्कूल परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं। DIOS और उनके स्टाफ पर स्कूलों के सत्यापन में फर्जी रिपोर्ट लगाने और अपने चहेते स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनवाने का आरोप है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। DM मार्कंडे शाही ने DIOS को इस तरह के स्कूलों की जांच कराकर केंद्र को निरस्त कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिले के नवांगत DIOS राकेश कुमार का कहना है कि 125 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा केंद्र बनाने का काम बोर्ड से किया जाता है, इसकी सत्यापन रिपोर्ट यहां से भेजी जाती है। अभी आपत्ति मांगी जा रही है, कुल 187 आपत्तियां अब तक आई हैं, इनकी जांच कराई जाएगी और मानक विहीन स्कूलों का सेंटर निरस्त कराया जाएगा। फिलहाल
जिला अधिकारी को मिली शिकायत पत्र में ये बात स्पष्ट हो गई है कि जिन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है वो मानकों को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे में जो जिम्मेदार जिले के अधिकारी हैं, डीआईएस का कहना है कि ऐसे मामलों में एसडीएम की रिपोर्ट मायने रखती है। एसडीएम की रिपोर्ट के बाद अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जिला विद्यालय निरीक्षक के जरिए इस नकल पर नकेल किस तरीके से कसी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गोंडा से राजकुमार सिंह, आर9 टीवी, उत्तर प्रदेश। रायबरेली पुलिस व एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक कंस मामा को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चार दिन पूर्व कंस मामा ने अपनी नवदंपति भांजी और भांजे पर तेजाबी हमला कर दिया था और मौके से फरार हो गया था। दरअसल चार दिन पूर्व रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के समसपुर गांव में नौ दंपत पर तेजाबी हमले का मामला सामने आया था, जिसमें पीड़िता ने अपने ही मामा पर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया था। जानकारी के अनुसार नौ दंपति हीना व मोहम्मद लतीफ का विवाह हाल ही में 10 जनवरी को हुआ था। इस विवाह से उसका मामा रहमानी नाखुश था, जिसके चलते उसने चार दिन पूर्व अपनी भांजी हीना व उसके पति लतीफ पर तेजाबी हमला कर मौके से रफू चक्कर हो गया था। घायल अवस्था में दोनों को सीएससी लाया गया था, जहां दोनों की हालत नाजुक देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। तब से पुलिस आरोपी मामा की तलाश में जुटी थी। फिलहाल सोनों कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। खुलासा करते हुए सीओ इंद्रपाल सिंह ने बताया कि आरोपी कंस मामा कौशाम्बी जिला का रहने वाला था और तेजाबी हमला करने के बाद मौके से रफू चक्कर हो गया था, जिसके बाद से एक संयुक्त टीम बनाई गई थी और सलोन कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम के माध्यम से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से तेजाब की बोतल भी मौके से बरामद कर ली गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डाक टिकट किया जारी। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के पावन पर्व पर डाक टिकट जारी किया है। साथ ही साथ इस डाक टिकट जारी करने के दौरान डाक विभाग के कर्मचारी सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। यही नहीं, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 4:45 पर गुरु गोरखनाथ के चरणों में खिचड़ी चढ़ाई और खिचड़ी चढ़ाने के बाद वो जो है कि डाक टिकट को जारी किया है। मकर संक्रांति के मेले की बात अगर की जाए तो मकर संक्रांति के मेले में खास तौर से कोरोना काल का प्रोटोकॉल देखा जा रहा है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे जिला प्रशासन की पैनी नज़र हर श्रद्धालु पर देखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हरेंद्र दुबे, आर9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। खुर्जा से भावपुर जा रही मालगाड़ी पर थाना एतमादपुर इलाके के पास अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गोली ट्रेन के केबिन में लगी, जिससे केबिन का शीशा चकनाचूर हो गया। देर रात मौके पर जीआरपी पुलिस और रेलवे के अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आगरा जिले में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर खुर्जा से भावपुर जा रही मालगाड़ी के लोको पायलट पर फायरिंग का मामला सामने आया। यह वारदात टूडला एतमादपुर रेलवे स्टेशन के बीच की है। आरोप है कि अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, जिसमें लोको पायलट बाल बाल बच गया। गोली लगने से शीशा चकनाचूर हो गया। हमलावर मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस व रेलवे अधिकारियों ने मौके पर जांच पड़ताल शुरू की। डीएफसीसी रेलवे लाइन जो मालगाड़ियों के लिए बनाई जाती है, वहां से खुर्जा से भावपुर जा रही मालगाड़ी करीब 6:15 पर पिलर संख्या 735 पर पहुंची थी। तभी लाइन के सहारे खड़े दो अज्ञात लोगों ने चलती हुई मालगाड़ी के लोगो पायलट पर गोली चला दी। गोली रेलवे के इंजन पर जाकर लगी। ड्राइवर ने जब गाड़ी न्यू टूंडला पर रोकी और इंजन पर लगी गोली की जानकारी उसने रेलवे अधिकारियों को दी। लोको पायलट मानसिंह मीणा और असिस्टेंट लोको पायलट शशि रंजन के अनुसार हमलावर अपना चेहरा ढके हुए थे। जांच के दौरान इंजन के शीशे के बाई तरफ गोली का निशाना मिला है। आगरा पुलिस जीआरपी व आरपीएफ घटना की जांच कर रही है। लोको पायलट के मुताबिक ये घटना आज सुबह 6:15 की है। लोको पायलट के मुताबिक रेलवे लाइन के किनारे मुंह ढककर दो व्यक्ति खड़े थे, जिन्होंने मालगाड़ी के आने पर केबिन की तरफ गोली चला दी। हालांकि ये इंजन के पास लगे शीशे में लगी है। अब कानपुर में इस ट्रेन को रोकने के बाद फॉरेंसिक टीम इस पूरी घटना की जांच करेगी। फिलहाल आगरा आरपीएफ और जीआरपी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और इसके बाद जो भी हमलावर हैं उनकी तलाश तेज कर दी है। बलरामपुर में दिल दहलाने वाली घटना गुरुवार को हुई, जब
हम पंचर के लिए बोरिंग कर रहे तीन मजदूर हाई प्रेशर तार की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर मौत हो गई। मौत के सूचना मिलने के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को पीएम के लिए भेजा है। मामला सादुल्ला नगर थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव का है, जहां नफीस अहमद के खेत में बोरिंग का कार्य चल रहा था। सुबह से ही तीनों मजदूर इसमें लगे हुए थे। बोरिंग के दौरान पाइप का कुछ हिस्सा खेत के ऊपर से गुजर रहे 11,000 हाई एक्सटेंशन तार से छू गया, जिससे तीनों मजदूर झुलस गए और उनकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद से गांव में कोहराम मचा हुआ है। मृतकों में दो सगे भाई भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची सादुल्ला नगर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। क्षेत्राधिकारी राधा रमण सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पुलिस छानबीन कर रही है। मृतकों में दो सगे भाई भी शामिल थे, जिनकी मौत के बाद परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाई और शव को पीएम के लिए भेजा है और आगे की छानबीन की जा रही है। बलरामपुर से ओंकार तिवारी, R90, उत्तर प्रदेश। झांसी में आज भी पुलिस की इतनी कार्रवाई के बावजूद लगातार झांसी जिले में अवैध कच्ची शराब बेचने का सिलसिला लगातार जारी है। भले ही पुलिस इस मामले में कई लोगों के ऊपर कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद झांसी में कच्ची और अवैध शराब बेचने का जो कारोबार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। यह मामला झांसी के ग्राम टाकोरी का है, जो कि थाना बड़े गांव के अंतर्गत आता है। इस गांव के अंदर कबूतरा जाति के लोग भी रहते हैं, जो कि अवैध और कच्ची शराब बनाने और बेचने का बड़ा कारोबार करते हैं। हैरानी की इस बात की है कि झांसी पुलिस भले ही पूरे जिले में कच्ची और अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चला रही हो, लेकिन इस गांव में आज तक पुलिस का छापा नहीं पड़ा। जैसे ही इस मामले की जानकारी झांसी के पुलिस अधीक्षक को हुई, उन्होंने खुद इस मामले का संज्ञान लिया और उसके बाद कबूतरा जाति के लोगों की धरपकड़ शुरू की। आज सुबह झांसी पुलिस ने कबूतरों के इस डेरे पर छापा मारा तो वहां पर रखी 1800 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। पुलिस की इस छापेमार कार्रवाई के बाद सभी कबूतर मौके से फरार हो गए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है, जिसके बाद जिस तरह से झांसी जिले में अवैध और कच्ची शराब का कारोबार किया जा रहा है, उस पे कैसे लगाम लग पाती है। अमित गोयल, R90 झांसी। हर प्रेमी का एक सपना होता है कि वो जिससे भी प्यार करे तो वही उसका जीवन में हमरा बने, लेकिन जब प्यार पाने के लिए किसी को लूट लेना अब तक किसी ने सुना नहीं होगा। बाराबंकी के थाना टिकैत नगर के रहने वाले इस लड़के का नाम रीशु है। रीशु एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसी से शादी करना चाहता था, मगर पैसों की कमी ने रीशु के पैरों में मानो बेड़ियां डाल रखी थी। इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए उसने अपने करीबी के साथ मिल करके किसी व्यवसायी को लूटने का खतरनाक प्लान बनाया। रीशु अपने प्लान में सफल भी हो गया था, मगर बाराबंकी पुलिस ने लूट का खुलासा करके उसके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। बाराबंकी पुलिस ने खुलासा करते हुए प्यार में लुटेरा बनने की वादा का खुलासा करते हुए हर किसी के होश उड़ा दिए। R9 के लिए सरफराज वारसी, बाराबंकी। अपनी समस्या से परेशान पीड़ित बुजुर्ग जिला अधिकारी कार्यालय के पानी टंकी पर चढ़ गया। बुजुर्ग ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। घर के नाली की समस्या बुजुर्ग ने बताया। जनपद आजमगढ़ के रहने वाले एक बुजुर्ग लगभग 65 वर्ष के आसपास हैं। उनके घर की नाली की समस्या काफी दिनों से बनी हुई है, जिसके लिए उसने दर्जनों बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उसके पत्र पर कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही कोई अधिकारी उस पर ध्यान दे रहा है, जिससे दुखी बुजुर्ग आज जिलाधिकारी कार्यालय के पानी टंकी पर चढ़ा और आत्महत्या करने की नियत से चढ़ गया। पानी की टंकी पर बुजुर्ग के चढ़ने की सूचना जैसे ही वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को मिली, लोग सन्न रह गए और किसी तरह से बुजुर्ग को पुलिसकर्मी टंकी पर चढ़कर बुजुर्ग को समझा बुझाकर नीचे उतारा और उसने आश्वासन दिया कि बुजुर्ग को जिला अधिकारी से मिलाएंगे। इसके बाद ही बुजुर्ग पानी की टंकी से उतरा। बुजुर्ग रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा कि कोई भी हमारी समस्या को सुनने को तैयार नहीं है, मजबूर होकर हम आत्महत्या के लिए पानी टंकी पर चढ़े। पीड़ित बुजुर्ग को पुलिस कर्मियों ने समझा बुझा कर नीचे उतारा। बुजुर्ग को आश्वासन दिया कि जिला अधिकारी से उन्हें जल्द ही मिलवा देंगे। इसे घोर कलयुगी कहेंगे कि अब भगवान के नाम पर भी लूट मची हुई है। भगवान राम के नाम पर मंदिर निर्माण के लिए जहां तमाम हिंदू धर्मावलंबी संगठनों द्वारा चंदा धन इकट्ठा किया जा रहा है मंदिर निर्माण के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ फर्जी तरीके के लोग रसीद बनवा कर इसे वसूली का रूप
दे रहे हैं और फर्जी ढंग से चंदा वसूली का कार्य कर रहे हैं। इसे घोर कलयुग ही कहेंगे कि अब राम के नाम पर भी लूट मची हुई है, लोग भगवान के नाम पर भी लूट पाट करने में व्यस्त है। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के नाम पर जगह जगह तमाम हिंदूवादी संगठनों द्वारा राम मंदिर के नाम पर लोगों से धन संग्रह किया जा रहा है, तो कुछ लोग द्वारा इसे अपना व्यवसाय बनाते हुए फर्जी ढंग से रसीद छपवा कर भगवान के नाम पर वसूली कर रहे हैं। ताज़ा मामला लाइन बाजार थाना क्षेत्र के जौनपुर का है, जहां कुछ लोग द्वारा सुनियोजित ढंग से गिरोह बनाकर फर्जी रसीद बनाकर लोगों से वसूली कर रहे थे। इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री जन्मेजय तिवारी को हुई। इस मामले की जानकारी तत्काल उन्होंने पुलिस अधीक्षक को देते हुए इस गिरोह को पकड़ने में लग गए। जन्मेजय तिवारी द्वारा इस गिरोह को चंदा देने के नाम पर बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए इस मामले में गिरोह के सरगना सहित प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। साथ ही इस मामले में और कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इसकी भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राम मंदिर निर्माण के लिए फर्जी रसीद बनाकर वसूली करने वालों की जानकारी विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री जन्मेजय तिवारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिया गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक सर डॉक्टर संजय कुमार ने बताया, इस मामले में प्रिंटिंग प्रेस मालिक सहित 3 लोगों को फर्जी रसीद द्वारा पैसा वसूलने के मामले में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। रेलवे प्रशासन में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब कानपुर की ओर जा रही मालगाड़ी के इंजन पर 3 युवकों ने फायरिंग शुरू कर दी। सूचना के बाद RPF टुंडला, GRPF और एतमादपुर सिविल पुलिस समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया है। पूरे मामले की जांच में जुट गया है। राम मोहन शर्मा, R9 TV, फिरोजाबाद।